दोस्तों, एटीएफए टेक में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आप लोग रेडमी वाई टू का TWRP को कहाँ से डाउनलोड करें और इंस्टॉल कैसे करें। दोस्तों, इसका ऑफिशियली जो TWRP है उसको नहीं मिलता है, अनऑफिशियली जो है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। आप लोग बाद में बोलेंगे आप लोग भैया आप कहाँ से डाउनलोड किया है TWRP को, आप लोग वीडियो को गौर से देखिए। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी प्रॉब्लम का कमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग फुल डिटेल्स में कमेंट्स कीजिए, हम 100% आपका कमेंट का रिप्लाई करने के लिए कोशिश करेंगे और कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से करना है। तो दोस्तों, मेरे अभी लैपटॉप का स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग रेडमी वाई टू का TWRP को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले आप लोगों को दिखाऊंगा इसका ऑफिशियल साइट में जाके यहाँ से डाउनलोड होता है या नहीं होता है, आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे टाइप करना है TWRP, एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डिवाइसेस जो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जितना सारा डिवाइसेस सारे आ गया है। अभी यहाँ पे क्या करना है हमको, शियोमी का चाहिए, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों जितना मॉडल है शियोमी का यहाँ पे निकल के आया है। आप लोग जिस मॉडल का चाहिए आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमको यहाँ से Y2 का चाहिए, लेकिन यहाँ पे Y2 का जो TWRP है वो अवेलेबल नहीं है, ऑफिशियल TWRP जो है। तो आप लोग इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे वीडियो को देखिए, मैं डाउनलोड करके आप लोग को दिखा दे हूँ। यहाँ पे टाइप करना है उसके बाद एंटर कर देना है। एंटर कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो है अनऑफिशियली TWRP है। आप लोग को अगर TWRP इंस्टॉल करना है तो आप लोग यहाँ से करना होगा, यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये TWRP जो है यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे इसका सारा डिटेल्स आ गया है। डाउनलोड का लिंक भी यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है TWRP टूल किट जो है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर अभी क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। मैं इसको डेस्कटॉप में रखूंगा, ओके कर देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा जो TWRP है वो डाउनलोड हो गया है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा पहले। एक्सट्रैक्ट हो गया है। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों ये यहाँ से आप लोग डायरेक्टली TWRP को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, कमांड डाल दूंगा CMD। यहाँ पे कमांड टाइप करना है फास्ट बूट डिवाइसेस। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है। नहीं आया यहाँ पे टाइप करना ADBDYCS। यहाँ पे हमने दोस्तों मोबाइल का फॉरवर्ड मोड में नहीं लिया इसीलिए नहीं दिखाया। अभी क्या करना है, आपका मोबाइल का फॉरवर्ड मोड में लाने के लिए आपका मोबाइल का पहले ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन और पावर दोनों की आप लोग एक साथ प्रेस कर दीजिए।
प्रेस करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यूएसबी केबल से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर एडीबी डिवाइस जो हमने टाइप कर दिया अभी उसके बाद एंटर कर देना है। ये देखिए दोस्तों एडीबी डिवाइस जो है यहाँ पे सक्सेसफुली ले लिया है। अभी क्या करना है, फर्स्ट बूट डिवाइसेस एंटर कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा जो डिवाइस है वो ले लिया है। अभी यहाँ पे कमांड डालना है, फर्स्ट बूट स्लैश रिकवरी, उसका बाद यहाँ पे जो दोस्तों टी डब्ल्यू आर पी है वाइडो का, इसको आप लोग यहाँ से पकड़ के वहाँ पे छोड़ देना है। अभी क्या करना है, एंटर कर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों टी डब्ल्यू आर पी इंस्टॉल हो गया है। अभी क्या करना है, आपका मोबाइल का जो पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ प्रेस कर दीजिए। पावर बटन छोड़ दीजिए, ये देखिए दोस्तों टी डब्ल्यू आर पी इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से रेडमी वाई टू में टी डब्ल्यू आर पी को इंस्टॉल कर सकते हैं।